राम मंदिर जिस पर सदियों विवाद रहा, वो घड़ी आ गई है जब उसको बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या और कैसे बनेगा मंदिर, इसका फैसला ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट सरकार बना रही है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काम करते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था, उसके मुताबिक एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े मसलों पर फैसले लेगा। पीएम मोदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की सिफारिश यूपी सरकार से की गई थी, जिसको राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। राम मंदिर को बनाने के लिए और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित सारी जमीन नवगठित ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह जमीन 67.703 एकड़ है। इसमें भीतरी और बाहरी आंगन शामिल हैं। इस फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिनमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। मोदी सरकार के ट्रस्ट गठन फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का भी बयान आ गया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यूपी सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। जिस समय ट्रस्ट बनाए जाने का ऐलान किया गया था, उस समय को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा है और विपक्ष का आरोप है कि ये सब वोटों की खेती करने के लिए किया जा रहा है। अगर धर्म के आधार पर वोट नहीं चाहिए थे तो ये फैसला बाद में भी किया जा सकता था। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी वोटों की खेती कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इसका असर दिल्ली चुनाव पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा तो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह खत्म हो चुका है। उसके बदले बीजेपी अब CAA और NRC जैसे मुद्दे ले आई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संसद का सत्र 11 फरवरी को खत्म हो रहा है, यह घोषणा 8 फरवरी के बाद की जा सकती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को हम भूलने वाले नहीं। ओवैसी इतना कहकर ही नहीं चुप हुए, उन्होंने और भी अपने तेवर दिखाए। बोले, अगर कार सेवा की इजाज़त नहीं दी गई होती तो मस्जिद वहाँ नहीं टूटती। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद टूटी है। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया था, उन्हें ही मंदिर बनाने का काम सौंपा जा रहा है। बाबरी मस्जिद को न तो हम भूलेंगे और न ही आने वाली पीढ़ियों को भुलाने दिया जाएगा। जहां ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में राम मंदिर के जरिए फायदा लेने का आरोप लगाया, वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा का स्वागत किया। केजरीवाल ने इस फैसले पर बधाई देते हुए कहा कि अच्छे फैसलों का कोई वक्त नहीं होता, ऐसे फैसलों की कभी भी घोषणा हो सकती है। आज करें या कल करें, खूब घोषणाएं करें। केजरीवाल ने ट्रस्ट गठन के स्वागत के बाद बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अपना CM उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इस पर केजरीवाल लगातार निशाना साध रहे हैं। अमित शाह ने एक जनसभा में कहा था कि केजरीवाल से बीजेपी का कार्यकर्ता ही बहस कर सकता है। इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा, मैं अमित शाह को खुले मैदान में बहस करने की चुनौती देता हूँ। अमित शाह खुद आएँ, कोई कार्यकर्ता ना भेजें, कार्यकर्ता के नाम पर खुद मैदान छोड़कर ना भागें। खुले मन से डिबेट हो, जनतंत्र के अंदर बहस अच्छी चीज़ होती है। आइए डिबेट करते हैं, एक एंकर हमारा हो, एक एंकर तुम्हारा हो। बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव में जितना मजहब के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की है, केजरीवाल ने उतना ही उससे बचने की कोशिश की है। शायद यही वजह रही कि केजरीवाल ने मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए जाने की मंशा पर सवाल नहीं उठाए। उन्हें डर रहा होगा कि अगर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए गए तो कल बीजेपी जनता के सामने बोल देगी कि देखिए, केजरीवाल मंदिर बनाने के खिलाफ हैं। मंदिर बनने से खुश नहीं है, बल्कि बड़ी चालाकी से उन्होंने मंदिर का ट्रस्ट बनाए जाने का स्वागत नहीं किया। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वैसे दिल्ली चुनाव में नहीं तो उनके लिए बीजेपी की वोट बटोरने की मंशा पर सवाल उठना आसान था। वैसे केजरीवाल ने पूरे चुनाव में धर्म की राजनीति से बचने की जितनी कोशिश की है, बीजेपी ने उतनी धर्म की राजनीति में फंसाने की साजिश की है।